और ये है अखिल राज, ये नहाएगा और हम लोग छिड़ी के काम चला देखिए अड़िया मत मत अरे जल्दी 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम हर हर महादेव। दोस्तों हमारी यात्रा बक्सर से शुरू हो चुकी है बाबा बैजनाथ धाम के लिए। आइए मिलाते हैं आज अपनी फैमिली से। ये है हमारी बुआ हर हर महादेव बोल बम। ये हमारे बेटा जी हैं अखिल राज यादव बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और ये हमारी भाभी हैं बोल बम। और ये हमारे एक भैया हैं बोल बम। कुशीनगर से आए हैं, हमें ज्वाइन किए हैं बोल बम बोल बम। और ये हमारे बड़े भैया हैं अखिलेश यादव, बिरहा गायक अखिलेश यादव बोल बम बोल बम। तो बोल बम का नारा है बाबा का सहारा है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, पैदल नहीं। अभी हम लोग आ चुके हैं जसीडीह रेलवे स्टेशन पे, बाहर निकल रहे हैं। यहाँ भीड़ देखिए। चलो 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 जल्दी 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 स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम लोगों को बाबा का दर्शन करने को मिलेगा। हम सभी लोग पता किए और स्टेशन से बाहर की तरफ निकलने लगे। तभी हमारी बुआ के सर में थोड़ा दर्द था और रेलवे स्टेशन पर फ्री सुविधाएं दी जा रही थी। दवा लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे। रेलवे स्टेशन पे इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है बाहर जाने के लिए। अभी हम लोग देवघर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं अखिल राज कावर के साथ। बोलो बम बम बोलो बम बम बम। रेलवे स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर निकलने के बाद हमें एक टुक टुक मिला है और इससे हम लोग जाएंगे देवघर। चलिए अखिल राज बैठिए। ओ बम जी थाने भैया जी, यहाँ से कितना दूर है स्टेशन करे वो देवघर? 9 किलोमीटर। लाइन तो बहुत लग रहा है, लाइन इस टाइम वीआईपी से जैसल से 1 घंटा लगेगा 1.5 घंटा। सीधा नो एंट्री है और हमेशा जाम रहता है, इसके वजह से रेलवे स्टेशन मैं तो अभी नो एंट्री कर रखा है। रेलवे स्टेशन के साइड से एक रास्ता है, वहाँ से हम भैया लेके जा रहे हैं। जितना ही हम मंदिर के करीब जा रहे थे उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी शिवगंगा में स्नान करने की और बाबा के दर्शन करने की। टुकटुक वाले भैया से बातें करते करते हमें ढेर सारे नज़ारे भी देखने को मिला देवघर का, और साथ ही साथ देवघर का मार्केट घुमाते हुए भैया हमें लेके जा रहे थे। और कब हम लोग बाबा के मंदिर के पास पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। भैया हैं हमें लेके आए हैं मंदिर तक, शॉर्टकट के रास्ते पूरा एकदम मंदिर के 100 मीटर करीब हमें ला के छोड़े हैं। हम लोग को लगभग 20 से 25 मिनट लग गया जसीडीह स्टेशन से यहाँ तक आने में, और यहाँ से सीधे जाएंगे। बता रहे हैं कि 100 मीटर दूर ही मंदिर है, तो चलते हैं आगे और दर्शन दिखाते हैं आपको भी, अगर दिखाना पॉसिबल हुआ तो। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा। मेन मार्केट के बीच में से हम लोग जा रहे हैं और गली में से बीच बीच में से मिठाई की दुकान है, प्रसाद की दुकान है। बोलबम और देवघर आने के बाद बैजनाथ धाम, एक खास बात ये है कि सब लोगों को बम बोला जाता है, नाम भूल जाते हैं लोग, सब लोग को बम बोला। बोलबम 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 ट्रैकर सिवा बोल बम बोल बम। ये है नंदी महाराज बम भैया, ये कौन है? वो नंदी जी कहाँ रह गई? ये कौन है? नंदी बम नंदी बम नंदी बम।
इतना ज्यादा गली गली है कि भूल जा रहे हैं। बात सही है। किसी से भी पूछ सकते हैं, दुकान वालों से आप लोग पूछ सकते हैं, दुकान वाले अच्छे से हेल्प करते हैं और बताते हैं। हाँ, शिव गंगा पोखरा आ चुके हैं, काफी गीला गीला है रोड यहाँ पे। नहीं अभी नहीं। राधे बम बोल बम हम लोग आ चुके हैं शिव गंगा पोखरा में। और यहाँ पोखरा पे पहले नहाया जाता है, उसके बाद जाके जहर डल जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद आप प्रसाद वगैरह खरीद के स्किन स्किन बोल बम। अब हमारी बुआ नहाएंगी और ये है अखिल राज, ये नहाएगा और हम लोग छिड़क के काम चलाएंगे। देखिए अड़िया पर मत मार, अरे करो मत मार, अरे मत मार, मत मार मॉम। ये सब क्या आओ मर दे आगे बोनी मत पकड़ लो ना बावड़ी ले तब मत जा भीतर मत जा बोनी चल जा नहीं बोल पूरी। दोस्तों अगर यहाँ तक आप हमारी वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जय भोलेनाथ हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। साथ ही साथ बाबा बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम का पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के अगले सीरीज में, तब तक आप वीडियो देखिए, इंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए। One, two, three.